नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो अब बात करते हैं खेल खिलाड़ियों को, देखते हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहले बात करते हैं राजकीय खेल। तो राजकीय खेल है मलखम। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब। राज्य खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग का गठन 1 अक्टूबर 1975 को हुआ। तो याद रखना, राज्य राज का खेल क्या है? मलखम्ब। राजकीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1975 को। राज्य का पहला क्लब क्रिकेट कहाँ का था? जो पारसी क्लब नाम से 1890 में इंदौर में बना। राज्य का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है? पारसी क्लब, जो 1890 में इंदौर में बना। भोपाल के तात्याटोपे स्टेडियम में खेल संग्रहालय बनाया गया। भोपाल के तात्याटोपे स्टेडियम में खेल संग्रहालय बनाया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय गोरागांव भोपाल में स्थापित हो रहा है। राज्य के कुल 10 शहरों में खेल स्टेडियम बन चुके हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन और बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय जबलपुर में है, याद रखना। अगला है जाल गोदरेज को ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। जाल गोदरेज को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। राज्य में एकमात्र हॉकी छात्रावास नरसिंहपुर में है, याद रखना। असलम शेर खान हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, जो बैतूल से सांसद बने। उनकी पुस्तक है टू हेल विद हॉकी। तो पूछा जा सकता है कि टू हेल विद हॉकी किसकी पुस्तक थी? तो याद रख लो, असलम शेर खान की। ये हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में जबलपुर में हुई। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई थी। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण राज्य में प्रमुख खेल संस्था है। राज्य के लतीफ अनवर पाकिस्तान के हॉकी कप्तान भी बने, मध्य प्रदेश के थे। राज्य के लतीफ अनवर पाकिस्तान के हॉकी कप्तान बने। राज्य ने में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी हृदयनाथ कुंजरू समिति की अनुशंसा पर 28 नवंबर 1948 को भारत में सीपी बरार के समय से मध्य प्रदेश में इसके राज्य में 6 मुख्यालय बनाए गए। कहाँ का? इंदौर, सागर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा का सैनिक स्कूल। तो याद रखना है इंदौर, सागर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा का सैनिक स्कूल। फिर है युवा मंडल। वर्ष 1983-84 से ग्रामीण क्षेत्रों में युवा गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु युवक मंडलों का गठन किया गया। अगला है नेहरू युवा केंद्र। मध्य प्रदेश में भी 19 नेहरू युवा केंद्र, याद रखिए। पायका योजना, उद्देश्य है ग्रामों में खेल अधोसंरचना का विकास करना, पायका योजना के तहत। राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है? विक्रम पुरस्कार। अब देख लेते हैं विक्रम प्रभास जोशी अवार्ड के बारे में। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2013 के सर्वोच्च खेल पुरस्कार 28 अगस्त 2013 को प्रदान किए थे। इस बार मल्लखंब में एक नया पुरस्कार प्रभाष जोशी अवार्ड दिया गया था 2013 में। समारोह में इस बार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एमसी मैरीकॉम विशेष अतिथि थी। एमसी मैरीकॉम लंदन ओलंपिक 2013 में बॉक्सिंग का कांस्य पदक जीतने वाले पर प्रदेश सरकार द्वारा 50 लाख राशि दी गई थी। ने प्रथम पुरस्कार अजय बख्तारिया को दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में। एक खेल हो गए उनके और एक खिलाड़ी हो गए, ठीक।
तो सबसे पहले बात करते हैं हॉकी के बारे में। हॉकी हॉकी में मास्टर रजोदिया, संतूराम, चम्मया लाला, असलम शेर खां, गेंदालाल, गुलाम, रसूल, दुर्गवाला, पवार, शिवाजी पवार, समीर दाद, मुन्ना सिंह, मुखर्जी, मधु यादव, पूर्व भारतीय कप्तान हैं, कमलजीत कौर, शंकर लक्ष्मण। फिर बात करते हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट में कैप्टन मुश्ताक अली, विदेश में शतक ला जमाने वाले पहले भारतीय हैं, भगवान दास, नरेंद्र हिरवानी, संध्या अग्रवाल, विजय नायडू, सीके नायडू, संजय रली, रमेश भाटिया, सुबोध सक्सेना, राजेंद्र निगम, चंदू सकटे, सुनील लाहौर, कुमारी राजेश्वरी ढोलकिया, संध्या जैन, मंसूर अली खान पटौदी। बैडमिंटन सी डी देवरस, प्रणव बोस, सीमा भंडारी, सार्क चैंपियन, 4 बार राष्ट्रीय विजेता रही, 6 बार ओवेर कप में भाग लिया इन्होंने। पार्थो गांगुली फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल्स विजेता रहे। सरोजनी आप्टे 6 बार राष्ट्रीय विजेता रही। अशोक सेना, बी एम तापड़िया, कुमार एम तांबे। अब बात करते हैं हम लोग टेनिस, टेबल टेनिस की, तो इसमें जाल गोदरेज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध हैं जाल गोदरेज। रिंकू आचार्य जूनियर एवं सीनियर राष्ट्रीय विजेता रही। रीता जैन जूनियर राष्ट्रीय विजेता, लेखधा मेहता और पूजा शर्मा। फुटबॉल की बात करें तो एम्बोस, कीड, नरसेम, हफीज, हाफिज, फहलाद अहीर, डी सेना, राजू सैनी। शतरंज की बात करें, शतरंज तो शतरंज में किरण अग्रवाल, अब छत्तीसगढ़ में है लेकिन, ठीक है, रफीक खान, मध्य प्रदेश की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर रफीक खान थे। कुश्ती की बात करें तो पप्पू यादव, विश्व के जूनियर स्वर्ण विजेता है, गामा पहलवान, कृपा शंकर पटेल, एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य विजेता है, रामचंद्रन, हिंद केसरी खिताब है। खो खो की बात करें तो नीलमा सरोलकर राष्ट्रीय चैंपियन रही, सुषमा सरोलकर। बास्केटबॉल की करें तो रेखा चौधरी, लक्ष्मी जाटव। तैराकी की बात करें तो बजरंग प्रसाद 6 बार तक लगातार राष्ट्रीय चैंपियन रहे। जूडो की बात करें तो कमला रावत और संगीता शर्मा। टेनिस की बात करें तो ऐश्वर्या अग्रवाल। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कारों की, तो विक्रम की बात करें, विक्रम पुरस्कार 50,000 राशि, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मध्य प्रदेश का। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्व के खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार 25,000, 19 वर्ष से कम आयु के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को दिया जाता है, मध्य प्रदेश के निवासी। याद रखिए राशि कम ही पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा विक्रम पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसके लिए, तो ये सब याद रखना आपको। सर्वोच्च खेल पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष से कम आयु के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को दिया जाता है, मध्य प्रदेश के निवासियों को। विश्वामित्र इसमें 50,000, प्रशिक्षणों को दिया जाता है, प्रशिक्षकों को दिया जाता है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पुरस्कार तो ये सीनियर वर्ग में 2 लाख रुपये स्वर्ण है 1.5 लाख रजत और 1 लाख कांस्य विजेता, जूनियर वर्ग में आधी राशि। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसी भी विधा के वरिष्ठ निवृत्त खिलाड़ी को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं ओलंपिक में मध्य प्रदेश, तो खिलाड़ी देख लेते हैं, ओलंपिक देख लेते हैं, पदक स्थान देख लेते हैं। कैप्टन रूप सिंह एक ग्वालियर के थे, 1932 में लॉस एंजल्स और 1936 में बर्लिन में इन्हें स्वर्ण पदक जीता। अहमद शेर खान भोपाल के थे,
1936 में वर्लिंग, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। किशन लाल कप्तान, 1960 में टोक्यो, स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। एहसान मोहम्मद खान भोपाल के थे, 1943 में लंदन में स्वर्ण पदक जीता। अख्तर हुसैन भोपाल के थे, 1948 में लंदन और 1952 में हेलसिंकी में स्वर्ण पदक जीता। हबीब उर रहमान ये भोपाल के थे, 1948 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता लंदन में। लतीफ उर रहमान भोपाल के थे, 1948 लंदन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कैप्टन अब्दुल सकूर भोपाल के थे, 1952 में हेलसिंकी में स्वर्ण पदक जीता, जो हेलसिंकी में हुए थे उसी में। लक्ष्मण शंकर लक्ष्मण महू के थे, 1960 रोम में, 1964 टोक्यो में रजत जीता रोम में और स्वर्ण जीता टोक्यो में। इनाम उर रहमान भोपाल के थे, 1968 में मैक्सिको सिटी में कांस्य पदक जीता इन्होंने। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। असलम शेर खान भोपाल के थे, 1972 में म्यूनिक और 1976 में मॉन्ट्रियल में कांस्य पदक जीता था म्यूनिक में, सातवां। ठीक, फिर जलालुद्दीन रेजवी भोपाल के थे, 1984 लॉस एंजल्स में पांचवा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। समीर दाद भोपाल के थे, 2000 सिडनी में सातवां स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। शिवेंद्र सिंह चौधरी ग्वालियर में थे, 2012 में इन्होंने 12वां स्थान प्राप्त किया था। अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण के बारे में, MPSA। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद समाप्त, अब MPA मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद समाप्त कर दिया गया, अब MPSA मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। MPSA का गठन, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण गठन 13 जून 2011 में हुआ। इसके अध्यक्ष होते हैं, खेल मंत्री होते हैं अध्यक्ष, और मुख्यालय भोपाल में। क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में। 1998-99 में मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी में वो विजेता रही, जिसमें टीम के कप्तान चंद्रकांत पंडित थे। सीता साहू की बात करें तो रीवा निवासी सीता साहू ने स्पेशल एथलेटिक्स ओलंपिक 2011 में 200 मीटर व 1600 मीटर में दो कांस्य पदक जीते थे। पान सिंह तोमर एथलीट खिलाड़ी, पूर्व सैनिक एवं बागी, इनका जन्म मुरैना जिले के फोरसा के निकट भिड़ौसा नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने 1958 के एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा ये 7 बार बाधा दौड़ में राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे। बाद में यह चंबल वीर के बागी बन गए। इनकी मृत्यु धार जिले में 1981 में एक मुठभेड़ में हुई थी। वर्ष 2012 के मैं पान सिंह तोमर नामक फिल्म में इस चर्चा में रही। इस फिल्म के निर्देशक थे दिग्विजयांशु धूलिया तथा इसे संजय चौहान ने लिखा था। इसमें पान सिंह तोमर का किरदार निभाने वाले इरफान खान थे। वर्ष 2013 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला इन्हें इस फिल्म को। अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं खेल एवं युवक कल्याण विभाग, ये भोपाल में है। 1975 में इसकी स्थापना हुई। पारसी क्लब, ये इंदौर में है, इसकी स्थापना हुई थी 1890 में। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में, इसकी स्थापना हुई 1946 में। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर में, इसकी स्थापना हुई 1957 में। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर में है, इसकी स्थापना हुई 1941 में। महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर में है, 2006 में इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय भोपाल में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई। अब मध्य प्रदेश के हम लोग प्रमुख स्टेडियम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम तो ऐसबाग स्टेडियम, एस्ट्रो टर्फ सुविधा है इसमें, ये भोपाल में। ऐसबाग स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में। नेहरू स्टेडियम की बात करें तो ये है
इंदौर में नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, अभय खेल विशाल ये इंदौर में है, होलकर ऊषा राजे स्टेडियम याद रखिए तो ये भी इंदौर में है, रूप सिंह स्टेडियम दुधिया रोशनी सुविधा है इसमें ये ग्वालियर में है, तत्या टॉफी स्टेडियम जर्मन ट्रैक सुविधा है भोपाल में, ठाकुर रमणपति सिंह स्टेडियम ये रीवा में, रणवत सिंह बोलते हैं ना ठीक है ठाकुर। तो एक बार और बात कर लेते हैं, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है ये भोपाल में, नेहरू स्टेडियम इंदौर, अभर खेल स्टेडियम इंदौर, होलकर स्टेडियम इंदौर, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, तत्या टॉफी स्टेडियम भोपाल, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम ये रीवा में है ठीक। तो ये थे हमारे खेल मध्य प्रदेश के और खिलाड़ी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य।